हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है शर्विन, आप देख रहे हैं टेक बॉर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मी नेक्स्ट 2 की अनबॉक्सिंग, उसका रिव्यू, उसके ओपिनियंस। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप ये चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो छोटा सा लाल बटन उसे दबा दीजिए और बाजू में जो छोटा सा बेल आइकन आएगा उसे भी दबा दीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं मी मैक्स 2 की अनबॉक्सिंग। ये है उसका बॉक्स आगे से पीछे से, ये है उसकी ब्रांडिंग, कवर भी काफ़ी अच्छा है और ये पीछे की साइड पे उसके कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए हैं कि इसमें क्या है। 64GB स्टोरेज है, 4GB की रैम है, स्नैपड्रैगन 625 की चिपसेट यूज़ की गई है इसमें और बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी है देखा जा रहा है। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। ये बॉक्स हम जब खोलते हैं तो ये और एक बॉक्स आ गया मी की। बॉक्सिंग काफ़ी अच्छी की गई है, ब्रांडिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है। ये है 4GB 64GB वाला वेरिएंट। जैसे ही हम बॉक्स खोलते हैं, ये सारी बॉक्स कंटेंट्स, सबसे पहले आता है हमारे पास जो फ़ोन है वो, हमें उसे निकाल लेते हैं। ये है फ़ोन, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ये है कुछ उसके जो यूज़र मैनुअल्स वगैरह जो है इससे, ठीक है कोई पढ़ लेता है कोई नहीं, मैं तो नहीं पढ़ता, मुझे ज़रूरत नहीं है। साथ ही में जो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ये, यही सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। साथ ही में अंदर हमें दी गई है ये उसका चार्जर और उसका केबल। जो केबल है वो है USB टाइप सी और साथ ही में उसका जो चार्जर है, जो चार्जर है वो क्विक चार्ज 3.2 को सपोर्ट करता है, क्वालकॉम क्विक चार्ज 3.2। तो यानी कि इसको क्विक चार्ज आप कर पाएंगे, एक इनका दावा है कि एक घंटे में 0-65% पहुंचती है, वो तो हम चेक करेंगे तब पता चलेगा। यह है उसके कंटेंट्स। जो वायर है उसकी जो क्वालिटी वो काफ़ी अच्छी दी गई है, लेकिन कई बार एक इतनी अच्छी क्वालिटी होने के बावजूद कई बार मेरे पास जो Redmi Note 3 है उसकी भी कुछ क्वालिटी काफ़ी इतनी अच्छी निकली नहीं। आगे से जो है उसका टिप के पास जो वायर है थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, लेकिन ठीक है उसे टेप लगाकर ठीक किया जा सकता है। ये है उसका वायर, ये है उसका चार्जर। तो चलिए हम फ़ोन के पास आते हैं, फ़ोन का पहले फिजिकल ओवरव्यू कर लेते हैं। ये है फ़ोन, ये है 6.44 इंच का जो पूरा स्क्रीन है। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की स्क्रीन है, काफ़ी बड़ी स्क्रीन है। अगर आप मूवीज़ देखने के शौकीन हैं तो आपके लिए फ़ोन काफ़ी अच्छा है। ये उसका फिजिकल, जो अगर हम नीचे देखें तो नीचे आपको दो ग्रिल दिए गए, एक में स्पीकर है और एक में है माइक्रोफोन और ये है USB टाइप सी का इनपुट जहाँ से आप चार्जिंग केबल करेंगे। ऊपर हमें दी गए हैं, ये देखिए थोड़ा फोकस करते हैं इसे, देखिए ये है 3.5mm जैक, सेकेंडरी वॉइस कैंसिलिंग माइक्रोफोन और ये है हमारा आयर ब्लास्टर। पीछे की तरफ हमें मिलती है इसके जो स्टिकर्स है वो, ऊपर मिलते हैं हमें जो कैमरा है उसका। कैमरा इसमें लिखा गया है 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, f2.2 अपर्चर है उसके ऊपर। नीचे फिंगरप्रिंट स्कैनर है। फ़ोन ऐसे दिखने में काफ़ी बड़ा है, ऐसे हमें लगता है 6.4 इंच, लेकिन थोड़ा हैंडल किया जा सकता है हाथ में, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। शायद से मेरे हाथ बड़े हैं इस वजह से मुझे इतनी दिक्कत आ नहीं रही, लेकिन नॉर्मल से तो काफ़ी बड़ा है और फ़ोन दिखने में काफ़ी प्रीमियम है। ये उसका जो ऊपर का कोटिंग है वो है और इसका जो फ्रंट कैमरा है 5 मेगापिक्सल का, साथ ही में हमें सेंसर्स और उसके जो हमारे ईयरपीस। फ़ोन को स्टार्ट करके हम देखते हैं, मैंने उसे ऑलरेडी पहले से सेटअप करके रख दिया है। ये देखिए इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो भी काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। देखिए मैं बस टच कर रहा हूँ, मैं इसको टच करता हूँ, देखिए तो काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। मैंने इसके वॉलपेपर वगैरह काफ़ी सब चेंज कर दिए हैं, काफ़ी सारे जो ऐप्स मैं यूज़ करता हूँ वो सारे भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। हम आगे देखते हैं, चलिए देखते हैं ये कौन सा सॉफ्टवेयर जो है अभी रन कर रहा है। इसमें दिया गया है ये चल रहा है एंड्रॉयड वर्जन 7.1.1, ये आप देख सकते हैं नुगट पे है और MIUI 8 पे अभी चल रहा है। देखिए आपके अगर मैं फोकस करूँ, MIUI 8.5 ग्लोबल रोम है, CPU जो है 2GHz ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 4GB की रैम है। अगर मैं सारे अगर सिस्टम देखूँ, अगर मैं सारा क्लियर भी कर दूँ तो मुझे कम से कम 2GB की रैम तो मिल ही जाती है। काफ़ी सारे जो ऐप है वो बैकग्राउंड में रन करने लग गए हैं। देखिए 4GB की रैम है और अवेलेबल है 1.8GB। 64GB अगर हम स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज में हमें कितनी चीज़ें मिल रही हैं अभी।
स्टोरेज हमें देखे तो अभी फिलहाल कितनी स्टोरेज बाकी है, अवेलेबल है 50.52.19 GB। मैंने सारे अपने जो एप्लीकेशन वगैरह जो है वो डाल के रख दिए हैं, स्टिल हमें इतनी स्टोरेज, तो स्टोरेज इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, स्टोरेज काफ़ी अच्छा है। और अगर आप कोई वीडियो या मूवीज़ अगर देख रहे हैं तो इसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होगा। तो चलिए कोई एक वीडियो प्ले करके देख लेते हैं। तो चलिए हम जाते हैं यूट्यूब पे, यूट्यूब पे डालते हैं NCS। चलिए हमारी वीडियो देख लेते हैं। मैं इसे अगर प्ले करता हूँ, टेक बॉय में जा रहा हूँ, सब्सक्राइब, अगर हाँ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करते ही जो ये छोटा सा बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, इससे होगा ये हर बार कभी भी मैं नए वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये कुछ ही देर पहले जो मैंने मेरे 1 TB एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का जो रिव्यू किया था उसे हम चलाकर देखते हैं। देखिए अगर स्क्रीन क्वालिटी देखें तो IPS LCD डिस्प्ले है और फुल HD रेजोल्यूशन है, काफ़ी अच्छी दिख रही है। देखिए तो ये काफ़ी अच्छी हमें जो ये है रिजोल्यूशन दे रहा है, साउंड भी काफ़ी अच्छी है। और पर्सनली अगर मेरा ओपिनियन ले तो मुझे नीचे जो स्पीकर ग्रिल्स होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं, मुझे अच्छे भी लगते हैं, क्योंकि अगर हम फ़ोन अगर ऐसे नीचे रख देंगे, अगर नीचे रख देते हैं तो जो साउंड है वो कभी कभी ब्लॉक हो जाता है अगर हम पीछे की साइड पे स्पीकर, लेकिन अगर ऐसा रखेंगे तो जो स्पीकर का जो पूरा वॉल्यूम है वो पूरा हमें सुनाई देता है। तो ये उसका फिजिकल ओवरव्यू। अगर मेरा ओपिनियन ले तो अगर आप एक बड़ा फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं तो Mi Max 2 आपका चॉइस होना चाहिए, क्योंकि ये रेंज के अंदर और भी है नहीं। क्योंकि अगर हम गैलेक्सी S8 प्लस या ऐसा कोई फ़ोन ले जिसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन इससे काफ़ी अच्छी है, लेकिन वो फ़ोन बड़े महंगे भी है, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के फ़ोन होते हैं, और इसे हम देखें ये भी काफ़ी प्रीमियम फील दे रहा है, लेकिन काफ़ी बजट रेंज में ये फ़ोन है। देखिए हर जगह पे हमें देखेंगे तो कर्व्स दिखे जा रहे, और ये हैंडलिंग में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सॉलिड है, और Xiaomi की जो बिल्ड क्वालिटी वो भी काफ़ी अच्छी होती है। और भी अगर हम स्पेसिफिकेशंस की बात करें, इसकी जो बैटरी है ये है 5300 mAh की, तो यानी काफ़ी अच्छी बैटरी, काफ़ी बड़ी बैटरी, इस वजह से ये जो क्विक चार्ज का जो सपोर्ट हमें दिया गया है वो काफ़ी हमें काम लगता है। इसमें जो 2 SIM कार्ड का सपोर्ट है, हम इसमें या तो फिर 2 SIM कार्ड या तो फिर 1 SIM कार्ड और 1 memory card यूज़ कर सकते हैं, का एक हाइब्रिड सिम स्लॉट है, आप खोल के देख सकते हैं, और जो बॉक्स है उसमें लिखा हुआ भी है। और अगर हम इसमें गेमिंग की बात करें तो गेमिंग का भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होगा। अगर मैं देखूँ तो इसका जो ईयरपीस है, जो ये ईयरपीस है कभी कभी स्पीकर एज स्पीकर डबल की तरह यूज़ होता था, कभी कभी इसमें से आवाज़ काफ़ी अच्छी आती है, हमें जो गेमिंग का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा है। तो मेरे हिसाब से ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है, अगर आपके बजट में बैठ रहा, अगर आप 20,000 का बजट लेके चल रहे हो और अगर आपको एक बड़ा फ़ोन चाहिए, आप एक हैवी यूज़र है और बैटरी लाइफ भी काफ़ी अच्छी चाहिए, तो ये Mi Max 2 आपका चॉइस होना चाहिए, काफ़ी अच्छा फ़ोन है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो ये जो Mi Max 2 जो फ़ोन है वो काफ़ी अच्छा है। मतलब अगर आप मीडिया काफ़ी देखते हो अपने फ़ोन में, आप YouTube मूवीज़ वगैरह काफ़ी अगर आपके फ़ोन में देखते हो, तो ये जो 6.4 इंच का जो स्क्रीन है वो आपके लिए काफ़ी अच्छी मदद करेगा, आपको काफ़ी अच्छी एक्सपीरियंस देगा मूवीज़ की, वीडियोज़ की काफ़ी, और बैटरी लाइफ भी काफ़ी अच्छी दी गई है। और जो स्नैपड्रैगन 625 का जो प्रोसेसर है वो इतने एफिशिएंट है, पावर एफिशिएंट है कि आपको इतनी अच्छी बैटरी लाइफ देता है, और आगे सॉफ्टवेयर अपडेट्स और इम्प्रूव हो सकती है, ऐसा MI का कहना है, Xiaomi का कहना है। तो अगर आप ये जो फ़ोन है वो बाय करना चाहते हैं तो इसका जो बेस्ट बाय लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, और भी काफ़ी सारे जो लिंक्स होंगे, काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट्स है जो अच्छे दाम पे दे रहे हैं या डिस्काउंट में दे रहे हैं, तो उसी के रिगार्डिंग डायरेक्ट लिंक्स जो मैं आपको दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना कभी ना भूलें। और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।